कितना मुशक्कत करना पड़ा ये सेकंड स्टार्ट करने के लिए? और भी बहुत सारे आएंगे, थोड़ा सा बताइए हमारे। देखिए मेहनत तो हर काम में लगती है और इसमें भी लगी। ऑफकोर्स मुंबई में आके फर्स्ट क्लिनिक मैंने 2019 में डाला था और ये अभी मेरा 2022 में सेकंड ब्रांच है। इसके अलावा मेरा एज ए आर्टिस्ट भी मैंने काम किया है इंडस्ट्री में और कर ही रही हूँ अभी भी। अभी भी एक रियलिटी शो मैं करके आई हूँ कुछ टाइम पहले। तो शूट एंड क्लिनिक दोनों चीजें एक साथ संभालना थोड़ा सा बड़ा टास्क है, बट बहुत अच्छे से हो रहा है। और ये स्काई ब्रम के नाम से हमने न्यू ब्रांड लॉन्च किया है और जो दूसरा हमारा है वो स्कारलेट के नाम से है। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काफी बड़े लेवल पे काम करना है। यहाँ पे सर्जरी से लेके हेयर ट्रांसप्लांट से लेके स्किन के ऑल ओवर लेजर ट्रीटमेंट से लेके सब स्किन का डर्मेट एंड कॉस्मेटिक पूरा कंप्लीट है। राइट, जो आपका फर्स्ट क्लिनिक है उसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है और यहाँ पे क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और देखिए इसके लिए क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ पे? जी यहाँ पे तो सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और न्यू जो टेक्नोलॉजी है वो है। और जो पहले वाला जो मेरा स्कारलेट क्लिनिक चल रहा है तो उसका तो रिस्पांस गूगल पे आप सर्च मारोगे तो बहुत अच्छा है, नंबर वन पे चल रहा है हमारा कांदिवली में। और ये तो अभी न्यू है तो यहाँ पे तो एडवांस टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है, प्लास्टिक सर्जन भी है हमारे इधर, लिप नोज सर्जरी जो भी आज के दिन आर्टिस्ट लोगों को चाहिए तो वो सब सुविधा यहाँ पे मिलेंगी और बड़े हाई लेवल की मिलेंगी। राइट, और ये जो है क्लिनिक ब्यूटी क्लिनिक है तो आपके लिए ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है अगर उस बारे में बताइए? देखिए ब्यूटी तो लाइक नेचर, लाइक ऐसी ब्यूटी होनी चाहिए कि जो लगे नेचुरल है। तो हम उसी पे वर्क कर रहे हैं कि फेक कुछ भी ना लगे, लगे जो कि नेचर से मिला है वैसी वाली ब्यूटी। और काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, लॉट ऑफ पीपल इन दिस बिजनेस और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की खास बात करें तो वो काफी हैं, सक्सेसफुल हैं जी। कौन इंस्पिरेशन है आपकी और कंपटीशन अगर है तो कैसे अपने आप को अलग करेंगी आप? देखिए कंपटीशन तो की कौन सी फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में कंपटीशन है, बट हमें खुद पे ज्यादा भरोसा है। हम अपनी टेक्नोलॉजी अपनी सर्विस उसी पे वर्क करेंगे, गुड सर्विस होगी तो आपके पास सब लोग आएंगे। और बेहतरीन जो हम कर सकते हैं कॉस्मेटिक में न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू मशीन्स, जो भी न्यू प्रोडक्ट्स हम वो लॉन्च करने जा रहे हैं आगे चल के, वो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे वर्क कर रहे हैं, तो उस पर भरोसा हमें। कंपटीटर पे कोई हमें ना कोई डर है ना कंपटीटर को लेके कोई भी। तो किसी सेलिब्रिटी को एसोसिएट करना चाह रहे हैं इस ब्रांड से ताकि वो आपको एंडोर्स करें, ज्यादा ब्रांडिंग हो, ज्यादा यू नो लार्जर देन लाइफ स्टेट हो? देखिए फ्यूचर में प्लानिंग है, सेलिब्रिटी तो मैं खुद भी हूँ और उसके अलावा भी और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिनको मतलब कि अभी आज थोड़ा बारिश का मौसम था, वो सारे लोगों का इन्विटेशन भी था, थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन सबका है आने का इधर। जैसे सर्जरी की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में प्राइसिंग बहुत ज्यादा चलती है, तो उसका कितना ध्यान रखा है आप लोगों ने अगर उस बारे में कुछ बताएं? देखिए जो कॉस्टिंग आती है उस पर तो ध्यान देना ही पड़ता है। ये थोड़े से कॉस्मेटिक जो क्लिनिक है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट हमने फिर भी हर चीज को हम एक ऐसे रिजनेबल प्राइसेस में रखेंगे कि सबके लिए वो कन्वीनियंट रहे कि आगे हाँ चलो हमें गुड सर्विस भी मिल रही है और हाई क्लास भी मिल रही है। जैसे आपने कहा कि रिसेंटली आपने एक रियलिटी शो किया है, अगर कुछ बताएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में और जो आपने कहा कि यहाँ पे भी नए नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और उसके बारे में भी जी जी बताया। अभी हम स्किन को लेके कुछ अपने खुद के प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, अभी उसका कोई अभी मैं अनाउंस नहीं करूंगी नाम क्योंकि वो अभी पाइपलाइन में है सब चीजें। और मेरे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं कुछ शूट्स पेंडिंग है और कुछ हो चुके हैं जो विद इन 2 मंथ्स के अंदर रिलीजिंग में है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द बेस्ट। देखे होंगे लेकिन इसकी क्या खास बात होने वाली है और क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? दरअसल भाई मैं अमीर भाई को जानता हूं, अमीर मिर्जा को, और वहां से मैंने देखा है कि ओनर इतना हैंडसम है, डॉक्टर इतनी हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, तो जो आएगा तो सारे मॉडल बनकर ही जाएंगे। बहुत खूबसूरत शुरुआत है, आज सबको जरूरत है, लोग जिमों में जाते हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की मशीनें हैं कि जो काफी कुछ आपके अंदर बदलाव ला सकती है। मैं तो खुद अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मैं भी बदल जाऊंगा अच्छे लोगों से, इसलिए तो मेरी अमीर से दोस्ती है। मैं सोचता हूँ इसकी जैसा हो जाऊँ, ये मिलता नहीं है, बहुत बदमाश है। तो बहुत खूबसूरत, हमारी सारी शुभकामना हम फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों को बोलेंगे क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस हर आदमी है, हर किसी को, हर ऐसे भी चाहे वो इंडस्ट्री में है या नहीं है,
कुछ आगे करते रहेंगे ना। अमीर कम 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 अमीर भाई ये खुद ही यहाँ पर मॉडल तो यहीं पर हैं, जो लोग काम करने वाले यहाँ पर हैं, गाइड करने वाले हैं, खुद ही मॉडल दिखते हैं। तो हमारी शुभकामना है हम इंडस्ट्री के करीब 5 लाख वर्कर की तरफ से, टेक्नीशियन वर्कर की तरफ से उनका लीडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी सबकी तरफ से दुआएं हैं कि सक्सेसफुल रहे, सही तरीके से लोगों को चार्जेस करें। मैडम जी जी सर बिल्कुल, ताकि हर आदमी यहाँ तक आ सके, गरीब भी आ सके, अमीर भी आ सके। जी जी सर, जी थैंक यू जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हेलो भाई, तो कला सारा जो किया आप ना जा आइए। देखिए, दो तरह की ब्यूटी होती है, इनर और एक आउटसाइड। और आउटसाइड ब्यूटी के लिए जो आजकल जितने भी लोग हैं, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और ये वही काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पर आए और जितना भी आउटसाइड की ब्यूटीज़ है जिसको निखारना चाहते हैं, सारी तरह की इनके पास में मतलब मशीन्स हैं, तो खूबसूरत बने। और विकी तो जानते हैं थोड़ा सा, इनको पता है ट्रीटमेंट्स का, हमारी सर्विसेज का सब पता है, काफ़ी पुराने फ्रेंड हैं मेरे। और तिवारी जी जो हैं जो भी ब्यूटी है, जिनको भी है, तो काफी सामने आने का काम है, तो ये जाहिर करते हैं। मैं दिल से प्रमोट करूंगा इस क्लिनिक को, और रियली सबकी आज की जरूरत है, और इस जरूरत के लिए एक अच्छा कदम उठाया आप लोगों ने। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। राजीव जॉन चौसन, और मैं पिछले कुछ सालों से मुंबई में हूँ। आई एम रनिंग अ प्रोडक्शन हाउस, एंड रेनू जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। सो इनके फर्स्ट क्लिनिक से मैं ऑलरेडी कुछ ट्रीटमेंट करा रहा हूँ जो गांधीवली में है, स्किन क्लिनिक। सो रीजन वाई आई एम हियर इज इसका ओपनिंग है, एंड आई एम हियर टू विश लक। सो इधर इन्होंने और फैसिलिटीज और बढ़ाई हैं जो गांधीवली क्लिनिक में है। सो इट्स लाइक अपग्रेड किया उन्होंने अपने, और लोकेशन वाइज भी अपग्रेड किया है, टेक्नोलॉजी वाइज भी अपग्रेड किया है। तो आई विश हर लक, एंड आप सभी से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इस क्लिनिक के बारे में बताएं और यहाँ की फैसिलिटीज़ का लुत्फ उठाएँ। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा रेनू को, अच्छा लगा। और एक प्राइम लोकेशन में है लोखंडवाला मार्केट, एक बहुत अच्छा लोकेशन और लैंडमार्क है मैकडी के सामने, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, आप भी परफॉर्मर है, मैं भी परफॉर्मर हूँ, तो परफॉर्मेंस के नाते, आर्टिस्ट के नाते बनता है मेरा आना। और हम दोनों आर्टिस्ट हैं, तो हम दोनों आर्टिस्ट जो है वो शारीरिक को बहुत ध्यान देता है, खासकर अपने विशेष तौर पर अपने को, अपने आप को लेकर के, अपनी बॉडी को लेकर के। और बॉडी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कैमरा के सामने, वो है स्किन। तो स्किन का सही होना बहुत जरूरी है, स्किन हमारी एकदम त्वचा खिलखिलाया होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ग्लो होना चाहिए। तो वो कुदरती तो होता ही है, लेकिन जब कुदरती तौर पर 19-20 कभी हो जाता है तो ऐसे लोग हमें काम में आते हैं। और ये वाकई बहुत अच्छे, जहाँ बोटॉक्स, हेयर ट्रांसप्लांट सब होता है, ऐसे रिलेटेड सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, बिल्कुल, मतलब खूबसूरती को निखार कर बेसिकली। और एक आर्टिस्ट को बहुत जरूरी, कैमरा के सामने उन्हीं को रहना है। तो ये वाकई बहुत अच्छा प्रयास है इनका, और मुझे पूरा यकीन है न कि सिर्फ आर्टिस्ट बल्कि और भी लोगों को जो चाहते हैं कि उनकी पर्सनालिटी हमेशा सदा निखरे रहे, हर जगह वो सकारात्मक तरीके से ग्रेसफुल रहे, तो उनको इनकी जरूरत जरूर आनी पड़ेगी। और फिर से मैं कहूँगा कि ईश्वर करे आपको इस मुकाम पर इतनी कामयाबी मिले कि कामयाबी खुद चटपटाए, बरकरार हो जाए, बेकरार हो जाए। थैंक यू सर, मुझे आपके गले लगना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।